नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ जिन्हें एक बहुत ही अच्छा एक्शन स्टार माना जाता है, एक्शन हीरो माना जाता है, और उनके जो एक्शन होते हैं, एक्शन सीक्वेंसेज होते हैं, बहुत ही गजब के होते हैं, और ज्यादातर एक्शन सीक्वेंसेज वो खुद ही अपने फिल्मों में करते हैं। तो दोस्तों, हालांकि उनकी जो पिछली फिल्म थी रोपंती 2 वो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी, फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन टाइगर श्रॉफ के पास अभी काफी अच्छी फिल्में हैं, जिनमें एक गणपत जो इसी वर्ष रिलीज होने वाली है, उसमें भी उनके बहुत जबरदस्त मतलब एक्शन सीक्वेंसेस बताए जा रहे हैं, जबरदस्त एक्शन करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो टाइगर श्रॉफ के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन्होंने एक और फिल्म साइन कर ली है, एक और नई फिल्म साइन कर ली है। जी दोस्तों, शशांक खेतान इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आपको बता दूं, शशांक खेतान वही डायरेक्टर है जिन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया तथा हमपट्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्में उन्होंने बनाई है, और वो फिल्में काफी पसंद भी की गई थी। तो शशांक खेतान क्या जो अगला प्रोजेक्ट है, जो अगली फिल्म है, उसके लिए उन्होंने टाइगर श्रॉफ को साइन कर लिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी, जिसमें टाइगर श्रॉफ का जो रोल है, जो अवतार है, वो थोड़ा सा अलग नजर आएगा। ऐसा रोल उन्होंने अपनी पिछली किसी भी फिल्म में नहीं किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये रोल बिल्कुल ही अलग होगा, चैलेंजिंग होगा। हालांकि एक्शन हीरो माने जाते हैं टाइगर श्रॉफ, तो इसमें भी वो एक्शन करते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन साथ में इसमें एक रोमांटिक एंगल भी होगा। अभी फिल्म की बाकी स्टारकास्ट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि टाइगर श्रॉफ के अपोजिट किस अभिनेत्री को, कौन सी हीरोइन को साइन किया जाएगा, इसके बारे में नहीं, और फिल्म की बाकी अदर स्टारकास्ट क्या होगी इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन इतना जरूर अनाउंसमेंट आ गया है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने यानी अगस्त से ही शुरू कर दी जाएगी। साथ ही आपको भी बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग पुर्तगाल में की जाएगी। पुर्तगाल में इससे पहले टाइगर श्रॉफ फिल्म वार की शूटिंग भी कर चुकी है, जिसमें उनके साथ ऋतिक रोशन थे, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब यहाँ आपको ये भी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि पुर्तगाल में शूटिंग क्यों की जा रही है। आजकल कई फिल्मों की शूटिंग पुर्तगाल में की जा रही है, तो क्यों की जा रही है? क्योंकि दोस्तों, पुर्तगाली गवर्नमेंट है वो वहाँ पे काफी अच्छी सुविधाएं शूटिंग करने के लिए देती है, वहाँ पे जो टैक्स वगैरह वो भी काफी कम मात्रा में लिया जाता है। तो इसी कारण जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, जो भारतीय फिल्मी निर्माता निर्देशक है, वो पुर्तगाल जाकर के शूटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ना केवल वहाँ पे उनको बेहतरीन लोकेशन मिल जाती है, बल्कि वहां पर उनके जो पैसे भी मतलब शूटिंग का जो खर्चा है वो भी काफी कम रहता है अन्य देशों के मुकाबले। तो इसी कारण से इस फिल्म की शूटिंग भी, शशांक खेतान की जो टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म आने वाली है, उसकी शूटिंग भी पुर्तगाल में की जाएगी। तो मैं आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ कि शशांक खेतान की फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आने वाली है। अगस्त में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, और इस फिल्म की बाकी स्टारकास्ट है उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन लगता है जल्दी ही, हो सकता है इस महीने के अंत तक ही फिल्म की बाकी स्टारकास्ट के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे ही ये अपडेट मुझे और मिलता है, मैं आपको अपने चैनल पे जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।